पैरा स्पेशल फोर्स की वैकेंसी कहाँ आती है, कैसे चेक करें, पैरा एसएफ का नोटिफिकेशन कब आता है, कैसे चेक करें, तो आज आपको वीडियो में मैं इसी का सवाल दूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पैरा एसएफ के बारे में जानकारी दूँ उससे पहले आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद व आभार। आप लोगों की दुआओं और प्यार की वजह से 24 दिन के बाद कोरोना की ऐसी तैसी करके वापस आप लोगों के बीच में उसी ड्रेस में और उसी जोश में एक बार फिर आ गया हूँ। तो आज आया हूँ, आते ही तो मैंने कहा कि चलो यार, एक सबसे पहले जो पॉइंट आएगा आज उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। हालांकि मेरे दिमाग में ये वीडियो था कि ट्रेड्समैन का ट्रेड वाइज बनाऊं, कि आपको बोलते हो कि सर टोटल ट्रेड्स कितने होते हैं, 10th पास जो ट्रेड्समैन होते हैं उनके बारे में डिटेल से वीडियो बनाओ। तो मुझे लगा कि यार उसका एक सिस्टमेटिक वीडियो बनाना पड़ेगा कि ये ट्रेड, ये योग्यताएं या इस ट्रेड का ये काम। तो मैंने कहा इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये मैं आप लोगों के लिए जानकारी पूरा सिस्टमेटिक जमाता हूँ फिर बनाऊंगा कल। आज आपको मैं बताता हूँ पैरा स्पेशल फोर्स का नोटिफिकेशन के बारे में, या कि पैरा एसएफ की भर्तियां कहाँ आती है, कैसे क्या करें उसके बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर पैरा एसएफ का नोटिफिकेशन कब निकलता है या पैरा एसएफ की डायरेक्ट भर्ती कब होती है, क्या होती है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। और प्लस आप लोग पूछते हो कि सर पैरा एसएफ के लिए हाइट क्या होती है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पैरा एसएफ का नोटिफिकेशन कहाँ आता है। उससे पहले आपको बताता हूँ कि पैरा स्पेशल फोर्स में भर्ती 3 माध्यम से होती है। पहले भी वीडियो बनाई थी, आज वापस शॉर्ट में बताता हूँ, पूरी डिटेल के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। पैरा एसएफ में जो आपका पहला नोटिफिकेशन आता है, डायरेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट एंट्री के जो होता है, एक तो होता है आपका रिलेशन भर्ती के थ्रू। मान लिया जाए आपके फादर या आपके ब्रदर पैरा रेजिमेंट या पैरा स्पेशल फोर्स रेजिमेंट से रिटायरमेंट हैं, तो उनके रिलेशन की भर्ती आती है, वो आती है आपकी पैरा रेजिमेंट बेंगलोर में। और उसका नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलता है, उसका एक यूनिट हेडक्वार्टर कोटा अलग से आता है, जिसमें आता है कि रेजिमेंट वाइज कि इस रेजिमेंट की भर्ती है और इतनी इतनी तारीख से हो रही है, और ये ओपन भर्ती होगी या रिलेशन वाली होगी। तो जो रिलेशन वाली भर्ती होती है तो वो भर्ती होती है जिसमें कि आप डायरेक्ट पैरा एसएफ में जा सकते हैं अगर आपके फादर या आपके भाई हैं। तो एक तो हो गया ये माध्यम। अब दूसरा माध्यम हो गया कि आपके यहाँ जो डायरेक्ट, मैं बोलता हूँ ना पैरा स्पेशल फोर्स में डायरेक्ट इनरोलमेंट कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि आपके इलाके में आई भर्ती एआरओ या जेडआरओ की भर्ती आई, सोल्जर जीडी पद पे। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बोलते हैं कि सर सोल्जर ट्रेड्समैन के बाद में पैरा एसएफ में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, या सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के बाद, तो सारों के जवाब मैं दे चुका हूँ। तो आज बता देता हूँ कि पैरा एसएफ में जो भर्ती होती है, यानी कि जो आप एसएफ में डायरेक्ट भर्ती होती है, वो आप एआरओ जेडआरओ में जीडी की वैकेंसी अप्लाई करते हैं। और जब आपका जीडी की वैकेंसी में जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद आपसे वॉलंटियर पूछा जाता है कि क्या आप पैरा स्पेशल फोर्स में जाना चाहते हैं। तो उसके बाद आप लोग जो वॉलंटियर्स होते हैं, उसके बाद में फिर क्या होता है, उन वॉलंटियर्स का दोबारा से फिजिकल होता है। सुनिए, यानी कि आपने सोल्जर जीडी में फाइनल मेरिट बना दी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर कौन है। और जब आप लोग वॉलंटियर होते हो, उसके बाद में फिर जाके उन बंदों का वापस होता है फिजिकल टेस्ट। लेकिन यहाँ दौड़ 1600 मीटर की नहीं होगी, यहाँ दौड़ होगी आपकी 5 किलोमीटर की। उसी प्रकार यहाँ बीम आपके 10 नहीं होंगे, बीम होंगे 14। उसी प्रकार आपके सीटअप हो गए और 5 मीटर सेटल हो गया। तो 5 मीटर सेटल इनमें सबसे टफ लगता है मुझे, तो मैंने आपको बताया भी होगा। अब एक दिन आपको कभी, अभी जैसे और उभरते जाऊंगा इस चीज़ से, तो बॉडी फिटनेस या लॉकडाउन जैसे ख़त्म हो जाएगा यहाँ, तो एक दिन आपको ग्राउंड में जाके आपको पूरा मेजरमेंट दिखाऊंगा कि 5 मीटर सेटल किसको कहते हैं और क्या तरीका होता है उसका। और वो 5 मीटर सेटल आपको 17 सेकंड में करना पड़ता है, तो आपको वो सब पूरा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा करके, तो आप लोगों को और भी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये इवेंट होता है। तो जब आपने ये फिजिकल वापस पार कर लिया, तो इनमें जो क्वालिफाई कर जाता है, तो उस बंदे को डायरेक्ट पैरा स्पेशल फोर्स में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि उसको बेंगलोर भेज दिया जाता है पैरा रेजिमेंट सेंटर में। वहाँ अपनी बेसिक ट्रेनिंग के बाद में फिर वो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग करता है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट सिलेक्शन प्लस रिलेशन भर्ती वाला सिलेक्शन। अब थर्ड है कि आप इंडियन आर्मी में आप जॉब करते हो, इंडियन आर्मी में आप एज ए सोल्जर जीडी हो, तो आप लोगों के यहाँ टाइम टू टाइम, आप चाहे राजपूत रेजिमेंट में हो, चाहे आप कुमाऊँ रेजिमेंट में हो, चाहे आप डोगरा में हो, चाहे आप सिख में हो, तो वहाँ वैकेंसियाँ आती रहती हैं। कभी 2 वैकेंसी, कभी 5 वैकेंसी, कभी 3, ऐसे फिर रेजिमेंट में वैकेंसियाँ आती हैं। और रेजिमेंट में फिर क्या होता है, एक लेटर सर्कुलेट होता है कि पैरा एसएफ की वैकेंसीज आई हैं, कोई वॉलंटियर है, तो उसमें फिर आप लोग वॉलंटियर होते हो कि हाँ हमें पैरा एसएफ में जाना है। तो उसके लिए अंडर 3 ईयर सर्विस तक होता है।
तो उसके बाद यूनिट क्या करती है कि फिर देखती है बंदे का फिजिकल, फिजिकली नहीं फिजिकल मेंटल हेल्थ भी, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी का टेस्ट भी होता है। तो यूनिट भी अपने ऐसे बंदों को भेजती है कि जो वहाँ जाके फाइनल पैरा एसएफ का कमांडो बने, ये नहीं कि वापस बैक टू यूनिट आए। तो यूनिट भी अपने स्तर पर अच्छे से आउटस्टैंडिंग बच्चे बंदे को भेजती है ताकि वो वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस करे और पैसा पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स का कमांडो ही बने। तो ऐसे करके सिलेक्शन होता है। तो ये तीन माध्यम होते हैं। अब आपका ये तीन तो मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए। अब आप लोगों का डाउट एक और ये होता है कि सर पैरा एसएसएल फोर्स के लिए हाइट कितनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपके एरिया का सोल्जर जीडी का हाइट का क्राइटेरिया है वही आपके पैरा एसएसएल फोर्स का हाइट का क्राइटेरिया भी होता है। जैसे मान लिया जाए कि मैं उत्तराखंड का हूँ, मेरे यहाँ सोल्जर जीडी का जो हाइट का क्राइटेरिया होता है वो होता है 163 सेंटीमीटर। अब मैं इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर जीडी आ गया, उसके बाद मैं अपनी रेजिमेंट में चला गया और वहाँ से मैंने पैरा एसएफ के लिए अप्लाई किया, तो मुझे जो मेरा ट्रेड है जीडी का उसी के थ्रू मैं वहाँ जाऊँगा, यानी कि पैरा एसएफ फोर्स कमांडो में। तो हाइट का कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप एआरओ जेडआरओ के थ्रू में सोल्जर जीडी में भर्ती हो रहे हैं तो भी आप जा सकते हैं, यानी कि पैरा एसएफ के लिए कोई हाइट का एक पैमाना नहीं होता, वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। जो आपके स्टेट में सोल्जर जीडी की एज का क्राइटेरिया होता है वही पैरा एसएफ के आपका हाइट का क्राइटेरिया भी होता है। तो फ्रेंड्स ये तीन माध्यम थे और ये तीन आपके प्रोसेस थे पैरा एसएफ फोर्स में जाने के भी। अब कल बताऊँगा आपको कि सोल्जर ट्रेड्समैन कितने ट्रेड आते हैं, क्या क्या उनका काम होता है। अब लगातार आप लोगों से रूबरू होते रहूँगा, लगातार आप लोगों के लिए वीडियो आते रहेंगी। आपका इसी प्रकार का प्यार और आप लोगों ने जो मेरी बीमारी के टाइम पे जो इतना प्यार और सपोर्ट किया उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप सभी को दिल से जय हिंद, आपको सभी को दिल से मेरा जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।